आरआरबी एनटीपीसी 2019 को लेके एक न्यूज है जो मुझे आप लोगों को पढ़ानी है, आपके साथ शेयर करनी है। इस न्यूज को पढ़ने के बाद आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आरआरबी एनटीपीसी कब हो सकता है और डिले क्यों हुआ, पोस्टपोन क्यों हुआ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये इंपॉर्टेंट न्यूज दिखा दूंगा। एसएससी सीपीओ 2018 की आंसर की आ गई है, तो आप लोग जो पूछ रहे थे कि आंसर की कब आएगी, तो वो अभी आ गई है। ये नोटिस आप देख सकते हो, एसएससी ने अभी अपलोड कर दिया आंसर कीज फॉर एसएससी सीपीओ 2018, और रिप्रेजेंटेशन आप भेज सकते हो सिर्फ 25 तारीख सुबह 10 बजे तक। इस वीडियो को पहले पूरा देख लो, हर एसएससी और रेलवे के एस्पिरेंट्स तक इस न्यूज को पहुंचा दो। वीडियो को पूरा देखने के बाद सीपीओ के जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी आंसर की भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं वो न्यूज, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पोस्टपोन क्यों हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम, रियल रीजन क्या है, और रेलवे ऑफिशियल के अकॉर्डिंग कब हो सकता है आरआरबी एनटीपीसी 2019 वाला एग्जाम, उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा इसी न्यूज से। तो ये वो न्यूज है, आप यहां से क्लियरली पढ़ो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अपॉन कॉन्टेक्टिंग एन ऑफिशियल फ्रॉम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंफर्म्ड दैट द डेट फॉर आरआरबी एनटीपीसी हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट बिकॉज आरआरबी still in the process to finalize the agency which would aid the examination process। मतलब ये कि जो ये अफवाह उड़ रही है कि privatization होने की वजह से NTPC postpone हुआ है, ये सब बकवास है। real reason सिर्फ इतना सा है कि vendor नहीं है, अभी exam conducting agency नहीं है। जैसे ही agency final होगी आपकी date आ जाएगी। और अब बात करते हैं कि कब हो सकता है आपका RRB NTPC 2019 का exam। आप यहाँ पर देखो, on asking if the examination will be shifted to next year, the official said that there were still 2 months left in the current year. If the examination will be conducted this year or next will become क्लियर आफ्टर दी एजेंसी इज फाइनलाइज। यहां से आपको दो चीजें क्लियरली पता चलती हैं। एक तो ये कि उस ऑफिशियल ने क्लियरली मना नहीं किया कि इस साल एग्जाम नहीं होगा एनटीपीसी का, उसने ये नहीं कहा कि नेक्स्ट ईयर ही होगा, इस साल नहीं होगा, बल्कि उसने ये कहा कि अभी भी 2 महीने बचे हैं, एग्जाम डेट क्या हो सकती है, इन 2 महीनों में होगी या नहीं होगी, ये सब क्लियर होगा जब एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनलाइज हो जाएगी। और अगर जल्दी फाइनलाइज हो जाती है तो इस साल भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और मुझे आपको बतानी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल सर ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको क्लियर किया था कि ये जो नोटिस है जिसमें लिखा है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से एनटीपीसी की वैकेंसीज डिक्रीज कर दी गई हैं, ये नोटिस 100% फेक है, ऐसा आपको राहुल सर ने क्लियर किया था। और यही सेम बात अब इस न्यूज आर्टिकल में भी लिखी है कि ये जो वैकेंसी डिक्रीज वाला नोटिस है ये 100% फेक है, और ऑफिशियल नोटिस में बस इतना लिखा था कि जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया। ये जो नोटिस आप देख रहे हो ये ऑफिशियल नोटिस है। और इस न्यूज के अलावा आप जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो अपनी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एक ही प्लान लेना है और एक ही सिंगल प्लान में आपको सभी टॉप एजुकेटर्स के सभी पेड कोर्सेस मिल जाएंगे, चाहे वो वाईफाई स्टडी हो, प्रतियोगिता मंत्र हो, अभिनय सर हो, पवन राव सर हो, रीजनिंग के लिए विक्रमजीत सर हो, सुमित गोयल सर हो, आपको सभी टॉप एजुकेटर्स के सभी पेड कोर्सेस, साथ में मॉक टेस्ट, क्लास पीडीएफ, डाउट सेशन, ये सब कुछ आपको एक ही प्लान में मिल जाएगा। अगर आप 1 ईयर का प्लान लोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और ये रेट में आपको सिर्फ और सिर्फ तब पड़ेगा जब आप डिस्काउंट कोड अप्लाई करोगे। डिस्काउंट कोड है प्रतियोगिता मंत्र, बिना स्पेस के आपको अप्लाई करना होता है। आप नोट कर लो इस कोड को, और कहां अप्लाई करना है मैं आपको बता देता हूं। अनअकैडमी के ऐप को खोल के जब आप प्लस पर जाएंगे, एसएससी एग्जाम्स चूज करके गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे, अपना प्लान चूज करेंगे, तब आपको रेफरल कोड एंटर करने का ऑप्शन आएगा। आप रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर कर देना, प्रतियोगिता मंत्रा, बिना स्पेस के आपको लिखना होता है प्रतियोगिता मंत्रा। जैसे ही आप ये डिस्काउंट कोड अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद आप इन सभी टॉप एजुकेटर्स के सभी पेड कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, देख सकते हो, अनलिमिटेड व्यूज है, जितनी मर्जी बार चाहो उतनी मर्जी बार देखो, कोई क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डिंग्स भी अनलिमिटेड बार देख सकते हो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे अनअकैडमी पर जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है यही डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा वैलिड रहेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, कुछ भी, आप ये डिस्काउंट कोड अप्लाई कर देना प्रतियोगिता मंत्रा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बिना स्पेस के एंटर करना होता है, एक साथ ऐसे ही आपको लिखना है प्रतियोगिता मंत्र। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मेल करना चाहो मेल कर सकते हो, पर्सनल मैसेज करना चाहो तो अनअकैडमी पर प्रतियोगिता मंत्र को फॉलो करके आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। ख्याल रखो सारे, पढ़ते रहो, इसी बार सिलेक्शन लो। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।